सो हेलो एंड वेलकम यार गाइस, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया हैं, यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको Realme Earbuds 2 के चार्जिंग टाइम कैसे चार्ज करते हैं वो एंड बैटरी लाइफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप ये TWS लेना चाहते हैं, Realme के TWS अराउंड 3000 रुपये आप लेना चाहते हैं, देन ये वीडियो प्लीज़ देखिए। मैंने Realme के O2 का भी रिव्यू किया एंड उसके साथ साथ Realme Neo का भी रिव्यू किया। तो अगर आप वो TWS में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो विदाउट फर्दर डू गाइस प्लीज़ ये वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JSTech एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको चार्ज करना है ये TWS एंड आप जानना चाहते हैं कि कैसे चार्ज करेंगे, तो गाइज़ TWS को चार्ज करने के लिए सिंपली आपको एक डेटा केबल की रिक्वायरमेंट रहेगी एंड ये एक टाइप सी जो डेटा केबल है वो सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जर मिल जाता है, आप ये अटैच करेंगे एंड देन अपनी कोई भी एक अडप्टर के साथ इनको पेयर कर देंगे एंड देन इसको सिंपली चार्जिंग में लगा देंगे। तो अगर आप ये करते हैं देन क्या होता है, तो आपका TWS चार्ज होने लग जाता है एंड यहाँ पे आपको एक रेड लाइट एंड ऑरेंज या ग्रीन लाइट एज पर बैटरी परसेंटेज दिखने लग जाती है। बट गाइज अगर आप ये TWS इनके साथ चार्ज करते हैं, मतलब जो ईयरबड्स हैं वो इनके अंदर चार्ज रख के चार्ज करते हैं, देन चार्जिंग टाइम ज़्यादा होता है क्योंकि ये साथ ही साथ अगर TWS की बैटरी भी कम है तो वो भी साथ ही साथ चार्ज होगी। ओके, इस टाइप से जो चार्जिंग टाइम है वो इंक्रीज होगा अगर बर्ड्स को अंदर रख के केस के जब अगर आप चार्जिंग में यूज़ करते हैं, देन आपको अराउंड 2 घंटा वेट करना पड़ेगा फुल चार्ज में। एंड डिपेंड करता है आप कौन सा चार्जर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक 10 वोल्ट का चार्जर यूज़ कर रहे हैं देन 2 घंटा, अगर एक 25 या 30 वोल्ट का चार्जर कर रहे हैं देन 1 से 1 घंटा 20 मिनट के अराउंड ये फुल चार्ज हो जाते हैं। बट उससे ज़्यादा वोट का चार्जर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। अगर आप एक हैवी वोट लाइक 50 एंड 60 वोट का अगर चार्जर यूज़ करते हैं देन उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो ईयरबड्स या TWS जो भी होते हैं उनकी बैटरी लाइफ पे होता है। क्यों? क्योंकि जो बैटरी कैपेसिटी होती है TWS की वो काफ़ी कम होती है। मैं आपको बता देता हूँ, जो केस है उसकी बैटरी कैपेसिटी सिर्फ 400 mAh गाइस। एंड जो सिंगल ईयरबड है इसकी ईयरपीस की जो बैटरी है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 30 mAh है, जो कि Realme के Q2 से कम है, वो 40 mAh है बट ये 30 mAh है। तो अगर आप एक 5000 mAh की जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए 50 वोल्ट का चार्जर है, उससे आप एक 400 mAh जो ये बैटरी वाला TWS वो चार्ज करेंगे देन डेफिनेटली आपको इसमें बैड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। बट लॉन्गर टर्म के लिए ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चार्ज किया उसी टाइम ही होगा, ये अगर आप कंटिन्यूसली करेंगे देन वो इफेक्ट आपकी बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग टाइम पे धीरे धीरे आता रहेगा। एंड अगर आप नॉर्मल चार्ज से चार्जर यूज़ करेंगे देन जो चार्जिंग टाइम है वो इंक्रीज होगा एंड बैटरी लाइफ ऑटोमेटिकली ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगी एंड बैटरी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी इन फ्यूचर। तो मतलब अगर ये करेंगे तो आप ये लंबे टाइम के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे बैटरी इशू की वजह से। बात करते हैं इसका बैटरी लाइफ, तो गाइज जो TWS है इनसे मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, लाइक काफ़ी लाउड एंड क्लियर है। बट दिक्कत यहाँ पे बैटरी लाइफ की है, Realme क्या क्लेम कर रहे हैं आपको क्या बैटरी यहाँ पे मिल जाती है। ओके, तो आप यहाँ पे सुन भी सकते हैं कितना लाउड एंड क्लियर ये है। तो अगर आप इनको फुल वॉल्यूम पे यूज़ करेंगे एंड जो भी इनके मॉड वगैरह हैं, गेमिंग मोड, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मोड एंड ऑल दैट, अगर मोड आप इनेबल करेंगे देन बैटरी लाइफ डेफिनेटली आपकी कम होगी। एक रेगुलर यूज़र की तरह आपको बैटरी लाइफ नहीं मिलेगी। बट अगर आप म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, आप इतना गेम वगैरह नहीं खेलते, कॉल वगैरह इतना नहीं करते, देन आपको काफ़ी अच्छी खासी बैटरी लाइफ मिल जाएगी। अगर हम लाइक सभी कंपोनेंट इंक्लूड करें, आपने इन पे 30 मिनट गेम खेला, 30 मिनट कॉल वगैरह की, देन आपने मूवीज़ वगैरह देखी, तो अगर आप सब कुछ ये कंबाइन करते हैं तो आपको इनसे 4.5 से 5 घंटे का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। अगर आप वॉल्यूम परसेंटेज लाइक अराउंड 70 रखते हैं तो, एंड अगर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन होता है, सभी ये चीज़ करते हैं, देन बैटरी लाइफ आपको अराउंड 3.5 घंटा मिलता है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं, फीचर्स वगैरह वो यूज़ होते हैं।
जिससे बैटरी लाइफ पे डायरेक्ट असर पड़ता है एंड बैटरी लाइफ भी आपकी कम होगी। तो Realme के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 25 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। ओके एंड 25 घंटे में वो आपको अराउंड बोल रहे हैं एक बार में 8-8.5 घंटा मिल जाता है, बट इतना नहीं है गाइज। जो भी कंपनी दावा करती है वो एक सर्टेन कंडीशन में करती है कि आप ये मत यूज़ कीजिए, ये मत यूज़ कीजिए, बट एक रेगुलर यूज़र सब कुछ यूज़ करना चाहते हैं इसीलिए वो एक पर्टिकुलर चीज़ परचेज करते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा था, आप अराउंड 5 घंटा बैटरी लाइफ मान के चलिए, 3 बार चार्ज हो जाएगा तो केस से, तो 3 बार चार्ज होने के बाद 5 मतलब 15, एंड अगर ईयरबड्स भी आपकी फुली चार्ज है तो अराउंड 20 घंटा बैटरी बैकअप मिल जाता है। बट अगर आप इनको लाइक काफ़ी रफली यूज़ कर रहे हैं, गेमिंग वगैरह में यूज़ कर रहे हैं एंड ऑल दैट, देन आपको बैटरी लाइफ अराउंड 15-16 घंटे ही मिल पाएगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज़ कर रहे हैं। मैं जो मेरा यूजेज है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, एंड मुझे ये चार्ज किए हुए करीबन 4 दिन हो चुके हैं, अभी भी इन पे सफिशेंट बैटरी बची हुई है, मैं इनको अभी भी एक दिन यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे Realme के जो TWS है उनसे बैटरी लाइफ में कोई भी शिकायत नहीं है, बट अगर आपको है देन आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके एंड इसके अलावा मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं Realme Earbuds 2 पे, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।